पांच ना छबड़िया नहीं क्यों है? तुम्हारा नाम भी राजू श्रीवास्तव है। देखो हंसना तो नहीं चाहिए बट अभी खबर यह आई कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आ गया जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था और अभी वो एम्स में एडमिटेड है। थैंकफुली सुनील पाल ने ये अपडेट दिया कि उसको मतलब डेंजर से बाहर है तो रिकवरी हो जाएगी जल्द से जल्द। सो गेट वेल सून ही बोल सकते हैं। बाकी बंदा तो अच्छा ही है, कॉमेडी भी ठीक ठाक ही करता है। बचपन की यादें रुने इसलिए मैंने कवर करा वरना मैं कवर भी नहीं करता इसको। बट बचपन की यादों की बात करें तो मुकेश खन्ना न्यूज़ में फिर से। क्यों सर, क्यों बोल रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते आप? मतलब शो था शक्तिमान तो उसमें बच्चा गलती करता था फिर आते थे ज्ञान देते थे और बच्चा कहता था सॉरी शक्तिमान। अभी खुद कर रहे तो भी बच्चे ही कह रहे सॉरी शक्तिमान। अरे कुछ दिन उनके ना एक क्लिप है जो बहुत वायरल जा रहा है जहाँ पे वो बात कर रहे कि अगर लड़की तुम्हारे पास मतलब किसी लड़के के पास जाके कहते हैं कि हाँ मुझे सेक्स करना है तो वो सही नहीं है, वो धंधा कर रही है। Why are we still here? Just to suffer. अंदर से विकी कुशल निकला है मेरे, सच बता रहा हूँ मैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट इसमें पीपा भाई ने भी, आकाश भैया ने भी रिएक्ट किया कि जो मुकेश खन्ना कह रहा है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है जो मतलब सोशल मीडिया पे होती है या फिर तुम चाहे ओमेगल पे देखते हो बहुत सारी लड़कियां मतलब पेमेंट करके या फिर मतलब फेक अकाउंट से आते हैं सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में, तो ये उनके बारे में बात की जा रही है। बट आकाश भैया पॉइंट वही है ना, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। जो क्लिप है उसमें सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है, किसी सोशल मीडिया का नाम नहीं लिया जा रहा। और अगर कोई बंदा बंदी रिलेशनशिप में और दोनों कंसेंट करते हैं एडल्ट हैं तो क्या ये बात अप्लाई होती है उस पर? तो वहाँ पे ये इलॉजिकल लग रहा है मुझे। बाकी अगर कॉन्टेक्स्ट उसमें है तो वैलिड है, बट अगर जिस वे से वो पूरी क्लिप चल रही है मुझे कहीं पे भी वैलिड नहीं लग रहा। वो क्या बोल रहे हो सर? अरे इसलिए सही समय पे शादी करनी चाहिए, मेरे को अपना बुढ़ापा दिख रहा है यहाँ पे। अबे इसने तो भीष्म प्रतिज्ञा भी ली थी, मैंने तो वो भी ना ले रखी। ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा मेरा? ऐसा मैं बोलता बट मेरा दुख खत्म हो गया क्योंकि इसके बाद जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी वो अमेजिंग थी। ये न्यूज अब आई है, मुझे 7 दिन पहले ही पता चल गया था। सही बात है, मुझे मालूम है कमेंट क्या होगा इसका। तो बेसिकली अभी एक शो चल रहा था लॉकअप करके जिसमें मुनावर फारूकी जीता था, तो वहां पे चल नहीं रहा था मुनावर का सीन एक लड़की के साथ, अंजलि अरोड़ा। हाँ हराम लड़की जो है उसका MMS लीक हो चुका है। मैं बता रहा हूँ कोई छोड़ गया ना वीडियो तुम्हारा वो काट दूंगा। अबे साले, अबे टांग, कितना अश्लील सोचते हो तुम। अभी पूरा कमेंट होगा हाँ वो लड़का ज्ञानी ही है। अबे चुप। अब मेरे को पता क्या, मेरे को ये चीज पता चल गई थी, कैसे ये मत पूछना, मैं रिसर्च पर्पस के लिए जाता हूँ बस। तो मुझे पता चल गई थी बट मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मॉडेस्टी है किसी की, रिस्पेक्ट की बात है तो मैं कवर भी नहीं करता। बट अभी ये न्यूज आर्टिकल है हर जगह पे एलेज्ड MMS 14 मिनट की क्लिप है यार, जाके देख सकते हो अगर देखना हो तो, बट देखना नीचे। तो मैंने भी नहीं देखी, मैं आंख बंद कर रखा था। सही बोल रहा हूँ यार, मैं झूठ बोलता ही अबे यकीन करो, बिल्कुल लाइक करना, लिंक मैं दे दूंगा। कौन बोला? मैं नहीं बोला बे। अरे कुछ नहीं, वैसे नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम गूगल सर्च करोगे ना तो MMS मत लिखना, बस न्यूड लिखना, तब मिल जाएगा आराम से। पहला ये दूसरा लिंक है। मरना तेरे को डर नहीं लगता क्या? ये सही कर रहा हूँ मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बट मेरे पास कंटेंट की कमी है तो मैं खींचता रहूँगा इस टॉपिक को। हाँ दूसरा कमेंट भी सोच लिया मैंने, ज्ञानी की तू कितना बदल गया, गिरा हुआ इंसान। हाँ तुम बहुत उठे हुए हो ना जैसे साले, तुम जाओगे नहीं देखने के लिए आरामी। और मेरे को समझ में नहीं आता, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ रिकॉर्ड मत क्या करो, तो वो तुम्हारी प्राइवेट चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें, पर्सनल मोमेंट में रहो ना, फालतू गिरी। और मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो अंजलि अरोड़ा है क्योंकि एलेज्ड है, बट काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है तो मैं कंफर्म भी नहीं करूँगा, मैं डिनाई भी नहीं करूँगा, एलेज बोलेंगे उनसे। क्योंकि ये सेम चीज़ कुछ समय पहले सोफिया अंसारी के साथ हुई थी जहाँ पे जो लड़की थी काफ़ी लुक अलाइक लग रही थी तो उसने भी मना कर दिया था, अंजलि अरोड़ा भी मना कर देगी। हाँ तो फेक ही कहेंगे हम इसे, बट भाई वो कभी एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। अरे तो कौन करेगा यार, अभी तुम्हारे घर की कोई बहन होगी या फीमेल होगी उनके साथ होगा तुम भी मना ही करोगे। पॉइंट इज मत करो ये सब, पहले तो ये सेफ नहीं है। और इवन मैं खुद मना कर देता हूँ कई बार क्या, हमेशा ही करना पड़ता है। अभी पता नहीं इंसानियत जाग जाती है यार, गलती से भी कुछ हो गया, किसी ने निकाल लिया, मेरी गलती भी नहीं होगी बट मेरी वजह से वो सब चीज़ हो जाएगी, तो वो मोमेंट बस पर्सनल मोमेंट है, मेमोरीज में रखो, मोबाइल में की मेमोरी में नहीं, मेमोरी कार्ड में रखने में लगे पड़े साले। और जहाँ भी मैं अंजलि अरोड़ा के लिए इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, मैं ये भी बोलूँगी अभी मीडिया में काफ़ी फेक न्यूज़ का ट्रेंड है तो ये भी हो सकता है कि मीडिया टारगेट कर रही हो। अंजलि अरोड़ा का नाम चल रहा है लॉकअप के बाद, मुनावर फारूकी का नाम चल रहा है, और ये सेम चीज़ हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं। मतलब अमेरिकन एक्टर है जो फ्लैश का रूल करता है
उस पे आरोप लगा दिया कि वो किसी मार्केट से अल्कोहल चोरी कर रहा था, वो एक्टर है। कुछ समय पहले टॉफी और खाने चोरी करते हुए इल्जाम लगा दिया था। कुछ नहीं होता, ये रूमर्स बना देते हैं अलेजली। कहते हैं अरेस्ट हो गया, अबे वो गंदा बैठा होगा अपने घर पे, मैं जेल में तो कुछ भी हो सकता है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी बात करेंगे संदीप महेश्वरी की, क्योंकि संदीप महेश्वरी अभी अपना वो चल रहा है ना उनका नौटंकी, अरे नौटंकी क्या शो चल रहा है उनका, जो वहाँ पे क्रिएटर आते थे, तो वहाँ पे मनोज देवी जा चुका है। तो उसी में अभी वो कोई आई थी लड़की थी, पता नहीं मैं जानता भी नहीं, बट उसके टाइम पे वो बात कर रहे कि कितने व्यूज आते हैं और कितना पैसा वो बना सकते हैं, जितना वो उनके जो बाकी बिजनेस है उससे भी नहीं बनता, उससे ज़्यादा बना सकते हैं, तो कैसे उनके अंदर लालच जग गया। अरे ये ह्यूमन नेचर है यार, उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अभी मेरे साथ हो रहा होता इतने व्यूज़, मेरे अंदर भी लालच जगता जाएगी, और मैं तो मोनेटाइज रखता भी हूँ चैनल, ऐड नहीं आते बस हरामी साला। सबसे बुरा लगता है कमेंट में, तुम उल्टा सीधा बोलो, गंजा बाल वाला बोलो, सब चलता है, उस पर बुरा नहीं लगता साला। जब ऐड आती है ना तो लोग कमेंट करके जाते हैं, अबे तेरा चैनल मोनेटाइज भी, अबे दो ऐड भी आ गई साले, तुम्हें ऐड नहीं आती, मेरे पास कैसे आती है ऐड, हैं साले ऐड ब्लॉकर लगा के बैठे हो तुम, मालूम नहीं है क्या मुझे, झूठे साले मक्कार भाई कहता थे, दिल से बंटा ही निकला हुआ है भाई, मानता था और तुमने बताया क्या, ज्ञान ही कमाया कहां से कमाऊंगा, एडसेंस ऐड ब्लॉकर लगा के बैठे हो सालों तुम, अमेरिका का दलाल बहनचोद बैठे हो। अभी तुम्हें मालूम है संदीप महेश्वरी का एक ड्रामा चल रहा था प्रखर के प्रवचन के और श्वेता बेटी के साथ। सो अभी खबर ये आई है, मिथपैट ने ये ट्विटर पर डाला था कि प्रखर ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी श्वेता बेटी को कि जो जूम कॉल पे बातें हुई हैं वो लीक कर देगा, ऐसा अलेज किया गया है मिथपैट द्वारा। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि प्रखर ने कुछ बोला नहीं उस पर, बट उसी पे पीपॉय का भी रिएक्शन था, आकाश भैया का भी रिएक्शन था कि ये बहुत घटिया हरकत है, और वो भी तब जब श्वेता बेटी ने तेरे को इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक ला के रखा है और उसके बाद ये चीज़ कर रहे तू, वो गलत चीज़ है। बट अगेन मैं श्योर नहीं हूँ इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना ही पता है, न्यूज़ बॉय ने ये चीज़ कवर नहीं करी है। अबे यार आज तुमने नोटिस किया, अभी तक मैंने एक भी न्यूज़ नहीं चुराई है, सिर्फ एक चुराई है संदीप महेश्वरी वाली बस, बाकी सारी ओरिजिनल न्यूज़ दिया मैंने, कोई कॉपी कैट नहीं बोलेगा आज मुझे, ओरिजिनल कॉन्टेंट हमारे में, तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ मेरे को समझ में नहीं, न्यूज़ पर कैसे मिस कर गया तू ये, अबे ये कैसे मिस कर सकता तू। और ओरिजिनल न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते मुंबई इंडियंस की, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने दो डिफरेंट फ्रेंचाइजी बाय कर लिया डिफरेंट लीग की, मुंबई इंडियंस एमिरेट्स और मुंबई इंडियन क्या है करेबियन नहीं, मुंबई इंडियंस केप टाउन। तो मुंबई इंडियंस इंडिया में भी है, एमिरेट्स उसमें भी है और केप टाउन में भी है। मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मेरे अंदर से अंबानी के लिए अक्षय कुमार निकल गया, पैसा ही पैसा हो गया। बाकी थारा भाई जोगिंदर सलोनी आपा पे काफ़ी अपसेट हो गया, क्योंकि सलोनी ने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, तो अभी इस बार थारा भाई जोगिंदर बदला लेने के लिए आए और रोस्ट करने में मत ही क्या करो, क्यों मूड ख़राब करते हो मेरा। तो पहली स्टोरी डाली कि सलोनी की कोई स्टोरी डाली, रील्स होगी, और उस पर बोला कि अरे फिल्टर लगाना भूल गई, जिसकी वजह से मेरा विश्वास उठ गया। किस चीज़ से ये मुझे अभी भी नहीं मालूम, वैसे विश्वास तो मेरा भी उड़ गया ऑडियंस से जब से तू फेमस हो रखा है। बट इसके बाद सलोनी के एक्सेंट का लेके मजाक करने लग गया था, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगा कि सलमान खान की मिमिक्री कर रहा है। तुम खुद देख लो यार, रोस्ट मारते हो दूसरों को, अपने आप को नहीं देखते ना, ठीक है माँ कसम किसी को नहीं बताऊंगा मैं, विश्वास टूट चुका है आज से। बट बाद में ये सब डिलीट कर दिया उसने, मैं क्यों करना, वीडियो बनाना तू भी, चिल्ला के छाती पीट गए, वैसे बहुत दिन हो गए तेरे को छाती पीटते हुए देखे, भला इतना चिल्लाता आवाज बैठा लेता फिर आ जाता। आई गॉड सच बोल रहा हूँ, मेरा खुद का ऑडियंस विश्वास उठा हुआ है, लोग कुछ भी देखते हैं मुझे छोड़ के। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, गौतम देखने जाना मुझे, अभी खत्म होने वाला यार, बाकी सीजन पे चल रहा हूँ, कल तक खत्म हो जाएगा मोस्टली, मेरे को लग रहा है कल या परसों तक तो हो ही जाएगा। हर दिन 4-5 एपिसोड ही निकाल पाता हूँ यार मैं साला, हर दिन मेरे को लगता है ना कि अब बैटमैन बन के आएगा, अब बनता ही नहीं साला, CID बनने को घूम रहा है, अबे बनना बैटमैन, अबे उसने लाइट जलाई, मैं कहा अब तो बैटमैन आएगा, नहीं आया, CID बनने ना बैन के पकौड़े भाई। और सबसे घटिया सीरीज लग रही है मुझे, बट एक्चुअली मेरे को 5वां सीजन सबसे बेस्ट लग रहा है। तो मैं देखता हूँ गौतम, तुम देखो रक्षाबंधन देखनी है या लाल सिंह चड्ढा देखनी है, तुम्हारी मर्जी, मेरे को क्या, मेरे को तो पगल देखनी है साला, ये जल्दी से जल्द खत्म होगी तब जाके पगल देखूंगा। चल बाकी इसी नोट में खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोग एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, और 14 तारीख रात 11 से 12 लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, फ्री रहो तो ज्वाइन करना, साथ में बनाएंगे आजादी दिवस। संविधान का तो मना नहीं पाए थे इस बार, पता नहीं मैं श्योर नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा लाइव गाने की, तो मेरा पूरा फोकस है कि उससे पहले गौतम खत्म कर दें, ठीक है, तो लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ कब बताइए। पीस आउट।